हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हनुमान चालीसा विवाद। 14 दिन की हिरासत में भेजे गए सांसद नवनीत राणा और एमएलए पति। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलीडे एंड संडे कोर्ट ने रविवार को ये फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। 6 मई तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। वहीं राणा दंपति के वकील रिजवान मोचन ने कहा कि सरकारी वकील ऐसा एक भी सबूत नहीं पेश कर पाया जिससे ये साबित हो कि राणा दंपत्ति ने राज्य सरकार के खिलाफ बयान दिए हों। ये लोग तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे और प्रार्थना करना गुना नहीं है। हनुमान चालीसा में भगवान राम की प्रशंसा की गई है। अगर देश में हनुमान चालीसा पढ़ना गुना हो गया है तो सारे मंदिरों में ताले लगा दिए जाने चाहिए। मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी है। पुलिस ने शनिवार शाम दोनों को अलग अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खार पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि दंपत्ति को रात में सांता क्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था। इससे पहले राणा दंपत्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A अलग अलग समुदायों के बीच धर्म भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल या हमला करना जोड़ी गई है। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।